काली माता मंदिर और काली गुफा के बाद में बड़ा गणपति, बड़े गणपति मंदिर है। यहाँ पे आश्रम भी है, अभी हमको बताया था, और मंदिर भी, बड़े गणपति मंदिर। ये काली गुफा के से जस्ट थोड़ा सा आगे है। बड़े गणपति मंदिर, हनुमान जी, उत्तर तट, जिला खरगोन, और महेश्वर में है बड़ा गणपति मंदिर। क्या नर्मदे यार, बड़े गणपति जी का दर्शन कराते हैं। अब अभी देखिए, बिल्कुल मैया के किनारे है मंदिर, तीन मूर्तियां, प्राचीन मूर्तियां और प्राचीन मंदिर। मंदिर बाद में बनाए बता रहे थे एक बाबा जी, लेकिन मूर्तियां प्राचीन है। ये देखिए दरवाजे में गणपति, वो भी सुंदर बनाए हैं। जो अष्टविनायक है उनके दर्शन आप जाके कर सकते हैं, लेकिन इनका भी उतना ही महत्व है अष्टविनायक जितना ही। लेकिन ये यहाँ पे महेश्वर में है, इस वजह से थोड़े से लोग कम आते हैं, लेकिन उतना ही महत्व सबका होता है। मंदिर मैया के किनारे है, ये उत्तर तट है, जिला खरगोन, महेश्वर में है, मिलेगा आपको ये मंदिर। थलघाट से 15 किलोमीटर दूर, और महेश्वर से 1.5 किलोमीटर पहले। ये अंदर की तरफ जाना पड़ेगा रोड से, तब दिखेगा ये मंदिर और दर्शन कर पाएंगे आप। मूर्तियां बहुत सुंदर, तीनों मूर्तियां। और यहाँ पे ये बोर गणपति भी बोलते हैं, बेर वाले, मतलब चतुर्थी वगैरह होती है तो बेर चढ़ते हैं इनको, इसलिए इसी एरिया के बेर चढ़ते हैं, भोग लगाते हैं बेर का, तब इनको बेर वाले गणपति भी बोला जाता है। और ये बड़ा आश्रम है, मैया का घाट छोटा सा इधर बनाया है, परिक्रमावासी के लिए सेवा भी की जाती है इधर। नर्मदे हर यहाँ पे महादेव जी, प्राचीन शिवलिंग है। ये प्राचीन शिवलिंग है महादेव जी का।
बड़ा गणपति के बाद हमको किनारे का रास्ता मिला, जहाँ पे झूठ बोलते हैं थोड़ा सा पब्लिक किनारे का रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ तार वगैरह रहता है, थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो लेकिन आप किनारे आ सकते हैं, सहस्त्र धारा से ही किनारे आ सकते हैं, रोड से जाने की ज़रूरत नहीं है, किनारे रास्ता बन गया है। दक्षिण तट यहाँ से दिख रहा है, देखिए घाट आ गया है आगे, धीरे धीरे चलते हैं किनारे से। आज मैया का दर्शन बहुत अच्छा, और प्राचीन घाट है सारे यहाँ पे, अहिल्याबाई होलकर के। अब महेश्वर सामने दिख रहा है, इधर महेश्वर का घाट। धीरे धीरे हम पहुंच ही गए, सप्त मातृका आश्रम जाने वाले हैं, फिर वहाँ बैग रखे, फिर तीर्थों के दर्शन करने के लिए हम निकल जाएंगे। मैया का बहुत बड़ा पात्र है यहाँ पे, रास्ता यहाँ पे बहुत छोटा है लेकिन है, धीरे धीरे आएंगे तो आप पहुँच जाएंगे। मराठी में बोलता हूँ, तुम्ही हळू हळू याल तर तुम्ही पोहोचून जाल। इथं खूप कचरा केलाय लोकांनी, तसं करायला नाही पाहिजे, सरकारने ध्यान दिलं पाहिजे, त्यापेक्षा जास्त आपण दिलं पाहिजे, कचरा नाही केला पाहिजे। महेश्वर मोठं शहर आहे, ह्या अशा शहरांना भेट द्यायला आपले खूप पैसे जाऊ शकतात, पण मैयाच्या कृपेने आपण इथं येऊन जातो आणि सगळे दर्शन पण होऊन जातात आणि आपले पैसे नाही लागत, फक्त भजन लागतं। माझी मराठी कशी आहे ते सांगा, कारण मी हिमाचलमध्ये जास्त असतो त्यामुळं मराठी बोलायला तिथे लोक नसतात, त्यामुळं मराठी माझी थोडी कच्चीच आहे, त्यामुळं सांगा कमेंटमध्ये की माझी मराठी चांगली आहे की नाही। ये सती घाट है, सती घाट पे अब पहुंचे हैं महेश्वर, सती जी का मंदिर भी है इधर, देखिए प्राचीन छोटा सा मंदिर है। देखिए कपड़े कहाँ हैं बेटा, देखिए मछली बनाई गई है, और ये स्ट्रक्चर अहिल्या देवी होलकर जी का है। ये देखिए सती माता मंदिर इन्हीं के नाम से, और प्राचीन घाट और प्राचीन मूर्तियां, प्राचीन मूर्तियां हैं सारी, प्राचीन शिवलिंग। प्राचीन के मामले में महेश्वर बहुत आगे है। ग्यारह सौ बारह सौ साल पुराना है सब, अहिल्या देवी होलकर ने बनाया हुआ। ये देखिए शिवलिंग, ये
यहाँ पे संस्कृत में लिखा हुआ है, देखिए यार इसमें खंडित मूर्ति है, बहुत दिक्कत। ये सती घाट है, चलिए अब ये है सप्तमातृका मंदिर और आश्रम, यहीं पे रुकेंगे आज। नर्मदे हर सप्तमात्र का मंदिर, ओ ताला है इधर, देखिए ये मूर्तियां, नर्मदा मैया की मूर्ति, महादेव जी का दर्शन, देखिए कितना सुंदर सजाया गया है। ये है सप्तमातृका जी, और मेन मंदिर अभी बंद है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सप्तमातृका है, श्री चामुंडा, श्री ब्राह्मी, श्री महेश्वरी, श्री महेंद्री, श्री त्रिपुर सुंदरी, श्री कौमारी, श्री वाराही, श्री वैष्णवी, ये सप्तमातृका जी। मेन मंदिर अभी बंद है, सप्तमातृका आश्रम बहुत सुंदर है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। चलिए महेश्वर में प्राचीन शिवलिंग, ऐसे बहुत सारे शिवलिंग है महेश्वर में, और अब दर्शन शुरू हो रहे महेश्वर जी के सारे। चलिए दोस्तों अब पंढरीनाथ जी के दर्शन करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, आप कर रहे हैं महेश्वर जी के दर्शन, महेश्वर, और ये पंढरीनाथ मंदिर, प्राचीन मंदिर। अभी ऊपर जाएंगे हम, यहाँ से शिवलिंग देख के जाते हैं, देखिए प्राचीन सारे शिवलिंग है, दास हनुमान जी, प्राचीन शिवलिंग, जितना हम देखेंगे उतना ही बड़ा है। अभी ये श्री राम कुटी, चलिए श्री राम कुटी है तो हम दर्शन करके ही जाते हैं, ये भी प्राचीन है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, ज्योतिर्लिंग श्री राम कुटी में है, महेश्वर श्री राम कुटी, ज्योतिर्लिंग पातालेश्वर महादेव, नर्मदे हर,
नर्मदेश्वर शिवलिंग। इस शिवलिंग में खासियत ये है कि इसमें जैसे पॉलिश देते हैं वगैरह वगैरह, वैसा कुछ नहीं किया गया। नर्मदेश्वर जैसा है, जैसा मिला है वैसा ही यहाँ पे रखा गया है। पातालेश्वर महादेव जी के दर्शन कर रहे हैं आप महेश्वर में, श्री राम कुटी में है पातालेश्वर महादेव जी का स्थान। यहाँ पे प्राचीन शिवलिंग काशी विश्वनाथ जी, ये काशी विश्वनाथ जी है। चलिए आगे पंडरीनाथ जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। इनका आश्रम यहाँ पे भी है, दास बगीची पुंच कुया इंदौर। सियाराम जी की समाधि है ये।